विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। विस्फोट इतना ज्यादा भीषण था कि कई किलोमीटर दूर तक इसका धमाका और उसकी आवाज सुनाई दी। पटाखों का मलबा इलाके में दूर तक फैलता चला गया। पटाखे फैक्ट्री में धमाका किस वजह से हुआ इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पटाखा फैक्ट्री लाइसेंसी थी, ऐसे में अवैध पटाखों के निर्माण की बात को लेकर पुलिस अभी नकार रही है, क्योंकि इस फैक्ट्री के पास लाइसेंस था। लेकिन अक्सर जहां एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जहां पटाखों का निर्माण होता है, वहां सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है। ऐसे में जरा सी चूक और एक बड़ा हादसा। और बहरहाल इस धमाके में बताया जा रहा है 4 लोगों की जान गई है और कई लोग इसकी चपेट में जो आए हैं वो घायल हैं, अस्पताल में इलाज उनका जारी है। योगी आदित्यनाथ ने देखिए बड़ी तादाद में पुलिस बल को मौके पर भेज दिया है, जो रेस्क्यू का काम और यहां पर देखरेख का काम पूरी तरीके से करते नजर आ रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री है, रिहायशी इलाके से काफी बाहर है, आप देख रहे होंगे, अलग है, इसलिए कुछ रिहायशी उसका नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ अंदर काम कर रहे थे उन्हीं की कैजुअलिटी हुई है। फिलहाल हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं और जैसा अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। आला अधिकारियों को भी आपने सुना कि रेसिडेंशियल इलाके से बाहर है, पटाखा फैक्ट्री लाइसेंसी भी था, कोई गैर कानूनी तरीके से इसमें काम नहीं संचालित किया जा रहा था, और जो लोग अंदर काम कर रहे थे वही उसकी चपेट में आए हैं। लेकिन दर्दनाक हादसा कैसे हुआ इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ इतना भीषण कि कई किलोमीटर दूर तक लोग दहल उठे कि आखिर इतना धमाकेदार, इतनी आवाज कहां से आई। तो कौशाम्बी में ये फैक्ट्री में हादसा हुआ, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो लोग अभी भी फैक्ट्री में फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लगने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी ब्लास्ट का संज्ञान लिया है, मदद के लिए अधिकारियों को मौके पर भेज दिया है और पूरा प्रशासनिक अमला भरवारी गाँव में मौजूद है। भरवारी गाँव जहाँ पर यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है और घायलों की भी तादाद काफी ज्यादा बताई जा रही है इस वक्त। बस उम्मीद यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके और घायलों को त्वरित इलाज मिल सके। और आला अधिकारियों की भी हमने आपको बातें सुनवाई थी, जो कह रहे थे कि फैक्ट्री है, रिहायशी इलाके से दूर है। गनीमत ये रही कि पटाखे फैक्ट्री में आग लगी तो दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी और आग भी फैलता चला गया, लेकिन चूंकि ये गांव से दूर था ऐसे में जो नुकसान है वो कम हुआ। वरना अक्सर रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तरीके से संचालित हुए पटाखे फैक्ट्री में जब ऐसे हादसे होते हैं तो आसपास के घरों को और इलाकों को, लोगों को कैसे अपनी चपेट में ले लेते हैं ये हमने कई बार देखा है। बहरहाल हादसा क्यों हुआ, अब कैसे हुआ, ये जांच का विषय। दीपक डालमिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक के इस ब्लास्ट को लेकर, हुआ कैसे ब्लास्ट और अभी तक कैजुअलिटीज कितने? तो मैं बता दूं, अभी मैं भरवारी के उसी इलाके में, पीछे आप देख सकते हैं कैमरा पीछे, जहां पे ब्लास्ट हुआ, फिलहाल 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और 10 लोग घायल बताए, जिसको प्रयागराज एसआरएच अस्पताल रेफर किया गया है और कुछ लोगों को मंजनपुर के जिला अस्पताल वहां रेफर किया गया है। और जो ब्लास्ट कैसे हुआ फिलहाल पुलिस नहीं बता पा रही कैसे ब्लास्ट हुआ। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम, यूपी पुलिस और जो फायर की टीम है वगैरह आग को बुझाने का काम कर रही है। अभी एडीजी जो भानु भास्कर जो कैमरा मैन को उन्होंने बताया कि 4 लोगों की मौत है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री के मालिक है और उनके बेटे, उन दोनों की मौत हो गई, बाकी 2 की और मौत हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, धमाका इतनी जबरदस्त था कि आप तस्वीर देख सकते हैं, जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर कपड़े और जो शरीर के जो टुकड़े होते हैं ऊपर रखे हुए देख सकते हैं। फिलहाल अभी आपको काबू पा लिया गया है और फिलहाल जो तस्वीरें भी दिखाई है दीपक, आसपास कौशाम्बी के इस गांव की जरा कैमरामैन से कहिएगा चारों तरफ घुमा के हालात और मंजर दिखाएं, फैक्ट्री के आसपास अभी क्या हालात है वहां पर? जी मैं कैमरे में बोलूंगा, फैक्ट्री को दिखाया, फैक्ट्री के आसपास किस तरह से फैक्ट्री को देख सकते किस तरह से, आपको जो फायर के लोग हैं कूलिंग की कर रहे हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं, और आप जो गांव के लोग हैं किस तरह से अपने परिजनों को तलाशने के लिए खड़े हैं, आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं किस तरह से गांव के लोग जो दूर दूर से आगे हैं अपने परिजनों को तलाश कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फिलहाल 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, बाकी जो है इसमें कुछ मिसिंग बताया जा रहा है। परिवार वाले अपनों को ढूंढने के लिए इस पटाखे फैक्ट्री के बाहर खड़े, फिलहाल जो कौशाम्बी के एसपी है विजय श्रीवास्तव ने इस इलाके को सील कर दिया गया और पत्रकारों को जाने देखिए कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है कैसे हादसा हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। धमाका कब हुआ और कितना धमाके की आवाज कितनी तीव्र थी, ये लोग किस हद तक डरे कि आखिर हुआ क्या है, जरा बात करिए इनसे। और समय की भी कमी है तो चाहेंगे बड़ा जल्दी जल्दी आप उनसे बात करें।
जी, मैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लोकल लोग बताएंगे कैसे कब क्या हुआ था। जी सर, ये 10 बजे सुबह का मैटर है। 10 बजे यहाँ पे हम नहीं थे, हमारा गांव यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इसकी आवाज गई थी 5 किलोमीटर। यहाँ जब ब्लास्ट हुआ तब हम यहाँ पे आए, लगभग 3-4 घंटे हो रहा है यहाँ पे। अभी उम्मीद है काम सही हो रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। और तो सोचिए, ये शख्स 5 किलोमीटर दूर से आया है, 5 किलोमीटर अपने घर पे मौजूद था और बोलता है कि वाहन धमाके की आवाज सुनाई दी, तो कितना तीव्र भीषणी धमाका रहा होगा। दीपक डालमिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी जानकारी हम